आप सभी ने अभी तक किसी भी कंपोनेंट को कंटिन्यूटी पे चेक करना सीखा होगा, ठीक है। ज़्यादातर एक कैपेसिटर को ट्रेस करके उस लाइन में कहाँ फॉल्ट है ये ट्रेस आउट कर, ज़्यादातर हमें किसी भी कंपोनेंट या उस सेक्शन में जो भी दिक्कतें होती हैं उसको ठीक करने के लिए या उसकी फॉल्ट फाइंडिंग करने के लिए सबसे पहले कैपेसिटर पे चेक करना चाहिए। तो नॉर्मल टेक्नीशियंस जो होते हैं वो कंटिन्यूटी बीप बजर मोड पे उसको चेक करते हैं, और लैपटॉप सेगमेंट में क्या होता है कि कुछ चीज़ें ऑलरेडी ग्राउंडेड होती हैं, कुछ कंपोनेंट्स ऐसे होते हैं जो ऑलरेडी ग्राउंडेड होते हैं, अगर आप इनको कंटिन्यूटी मोड पे चेक करेंगे तो ये शॉर्ट ही दिखाएंगे क्योंकि शॉर्ट नहीं होते। तो एक नया तरीका है जिससे आप विदाउट कंटिन्यूटी में रख के फॉल्ट फाइंडिंग कर सकते हैं। नया तरीका क्या है यार, मैं आपको बताना चाहता हूँ। आप ये मल्टीमीटर देख रहे हैं, इसमें एक कैपेसिटर रेंज हर मल्टीमीटर का अलग होती है, इसकी जो सबसे हायर रेंज 200 माइक्रोफेराड से लेके रहती है, नैनोफेराड से लेके सॉरी माइक्रोफेराड 200 माइक्रोफेराड पे इसको आपको सेट करना है। इसके बाद आपको मल्टीमीटर स्टार्ट कर देना, मल्टीमीटर धीरे धीरे ज़ीरो हो जाएगा, मल्टीमीटर देख रहा है इसके बाद जस्ट लाइक जैसे आप कंटिन्यूटी में बीप रेंज पर चेक करो। ये मैंने एक स्क्रैप रूल लिया हुआ है जिसमें कुछ सीरीज जो है वो सही है और कहीं पे शॉर्टिंग, जिस जगह पे शॉर्टिंग है उस जगह पे आपको मैं प्रैक्टिकल बताऊंगा कि ये कैसे फाइंड आउट करें। ये पीएफ कैपेसिटर साफ लगे हुए दिख रहे हैं, अपना कैमरे को पास ला लीजिए। ये छोटे छोटे नॉन पोलराइज कैपेसिटर्स जो होते हैं पीएफ कैपेसिटर्स लगे होते हैं, इनकी हम ट्रेसिंग करेंगे और इसको मल्टीमीटर से शो करेंगे कि इसमें क्या वैल्यू है। हमें ब्लैक प्रोब को कॉमन पॉइंट को लगाना है और रेड हमारी लगेगी मीटर एंड एम्पियर रेंज, मिली एम्पियर रेंज जिसको कहलाता है, और इसी पे हम कैपेसिटेंस भी टेस्ट करते हैं। हम जो ब्लैक प्रोब है उसको ग्राउंड कर देते हैं, और अगर हम दूसरे ग्राउंड पे इसको टच करते हैं तो ओवरलोड करके देखिए मल्टीमीटर की तरफ पे अंदर लाइए, ग्राउंड टू ग्राउंड ओवरलोड शो करता है, ग्राउंड टू ग्राउंड कैपेसिटेंस रेंज पे वन शो करता है। उसी तरीके से जब हम ट्रेस आउट करते हैं तो जैसे कि ये कैपेसिटर लगा हुआ है, थोड़ा सा पास लाइए, एक छोटा कैपेसिटर दिखाइए, ये छोटा कैपेसिटर लगा हुआ है यहाँ पे, यहाँ देखिए इसमें माइनस प्लस कुछ नहीं होता है, फिर भी अगर ये चीज़ सही है या ये सेक्शन पूरा का पूरा सही है तो हमें एक तरफ से ओवरलोड शो करना चाहिए और एक तरफ से वैल्यू आना चाहिए। ये देखिए एक तरफ से हमें ओवरलोड शो किया, एक तरफ से हमें रेंज मिल रही है, एक रीडिंग आ रही है, मतलब कि ये कैपेसिटर भी ओके है, साथ में इस सेक्शन से रिलेटेड जितने भी सेक्शन हैं जितनी भी चीज़ें हैं सारी चीज़ें ओके हैं। प्रीवियस में मैं इस मदरबोर्ड को ट्रेस कर चुका हूँ, इसीलिए इसके एक फैन कंट्रोलर और SRC में प्रॉब्लम है, जिस वजह से देखिए यहाँ का जो कैपेसिटर लगा हुआ है ये आपको दोनों तरफ से ओवरलोड शो करेगा। मल्टीमीटर पर रीडिंग दिखाइए, ये इस तरफ से वैल्यू दिखा के वन, इस तरफ से भी वैल्यू दिखा के वन, मतलब इस सेक्शन में दिक्कत है। इस सेक्शन पे हम और भी कंपोनेंट्स को ट्रेस आउट कर सकते हैं उसकी जो स्पेसिफाइड रेंज है, जो तरीका है चेक करने का उस पे, लेकिन शॉर्टकट जो तरीका है जो कंटिन्यूटी से हम करते हैं, इससे मैंने एक और नया रिसर्च करके इस तरीके को निकाला है कि हमें
सबसे पहले जो पीएफ कैपेसिटर्स है इनकी टेस्टिंग करनी चाहिए, जैसे कि इसकी जो पावर सीक्वेंस है, ये जो बोर्ड है इसमें प्रोसेसर लगा हुआ आता है, इसका प्रोसेसर भी शॉर्ट है, उससे लगे हुए सारे कंपोनेंट्स ओवरलोड दिखाएंगे। ये देखिए, होप गाइस आपको समझ में आया होगा कि आप कैपेसिटेंस रेंज पे रख के किसी भी बोर्ड को, चाहे वो मोबाइल हो, कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो, इवन ईच एंड एवरी बोर्ड, किसी भी बोर्ड की आप जिस तरीके से कंटिन्यूटी टेस्टिंग कंटिन्यूटी रेंज पे करते हो, उसी तरीके से कैपेसिटेंस रेंज पे करते हैं।